से यहाँ अगर एनुअल वैल्यू देखो यहाँ, जो तुम लोग फोर नंबर क्वेश्चन है ना, समझो कि अगर एनुअल वैल्यू हम लोग निकालना है या तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना है, कब अगर जो भी हाउस है कुछ महीना के लिए पिछला साल अगर कुछ महीना के लिए खाली रहेगा या तो पूरा का पूरा क्या रहेगा खाली, ठीक, पूरा का पूरा खाली मतलब खाली, याद रखना चीज़ माइंड में, ठीक है। वैकेंट मतलब यूज नहीं करना चाहिए उसको, वैकेंट मतलब पूरा क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। अगर वैकेंट पीरियड में अगर ऑनर आप खुद अगर उसमें रहेगा ना तो वैकेंट नहीं माना जाएगा। तो फिर हम लोग जो पहले रूल पढ़ते थे ना कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो अधिक रहेगा ना, ठीक, उसी को क्या मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखो अगर हम लोग का प्रीवियस ईयर में हाउस रिमेंस फॉर द फुल ईयर, पिछले साल पूरा का पूरा खाली रह गया, एक महीना भी भाड़ा नहीं आया, पूरा पूरा खाली रहेगा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील बने बटे सन्नाटा न, पूरा पूरा नील जीरो। और अगर मेन ये है हम लोग का, ये कम मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये हम लोग को कम मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। क्या लिख रहा है कि अगर घर जो भी हाउस है ये पार्ट ऑफ प्रीवियस, कुछ महीना खाली रहा है पिछला साल, तब देखो फर्स्ट में क्या लिखे, अगर खाली रहा फिर भी एक्चुअल रेंट ही अधिक है, एक्सपेक्टेड रेंट से कौन अधिक है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट ही, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है तो ही होगा। लेकिन याद रखो सेकेंड रूल मेन है, जो इतना बड़ा लिखे ना इसका मेन यही है सेकेंड, ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, अधिक रहेगा तो वही लिखाएगा। लेकिन क्या लिखता है, इफ़ द एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम भी है ना ग्रो ये एक्चुअल रेंट, लेकिन कब, देखो ये अंडरलाइन करके समझो, ड्यू टू वैकेंट, अगर खाली रहने के कारण, याद रखना जिसका हिंदी में लिखा हुआ रहेगा ना या तो इंग्लिश में देखना उसको बोल्ड लेटर से लिखता है, ड्यू टू वैकेंट, ठीक, खाली रहने के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम भी रहेगा ना, अगर एक्चुअल रेंट क्या रहेगा कम भी रहेगा तो वही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। मतलब बोलने का मतलब दोनों रूल से क्या समझा, कोई भी कंडीशन रहेगा एक्चुअल रेंट ही क्या होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। खाली रहने का जब हम लोग का बारी आएगा ना तो अधिक भी रहेगा तो भी वही लिखाएगा, कम भी रहेगा तो वही लिखाएगा, लिख लो।